इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से सामने आई है, जहां श्रावस्ती से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि श्रावस्ती में एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर NH हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना अंतर्गत मोहनीपुर चौराहे के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर बालपुर गांव के निवासी एक बाइक सवार जो कि अपनी बाइक से अपने घर इकोना से अपने घर वापस जा रहा था, तभी अचानक तेज़ रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और बाइक सवार वहीं पर गिर गया और बाइक सवार ट्रक के नीचे आ जाने की वजह से उसके सारे शरीर की जो है परखच्चे उड़ गए हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की रूह तक कांप गई है। लोगों की जमावड़ा वहां पर लोगों का लग गया, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए, उस लोगों को देखने लगे। वही एक बाइक सवार जो कि हल्का फुल्की चोट लगी है और बाइक सवार बच गया है, लेकिन वही दूसरा जो बाइक सवार था वो मौके पर ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई है। उसके शरीर के जो है परखच्चे उड़ चुके हैं। वही सूचना पर पहुंची इकोना थाने की पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही ट्रक को पुलिस ने दौड़ा करके किसी तरीके से पकड़ा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से सामने आई है, जहां श्रावस्ती में NH हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है।